पल्सर N160 जिसका आप काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, अच्छा खासा भैया प्यार दे रहे हो, और स्टार्टिंग में भाई 1000-1500 व्यू आना बहुत बड़ी बात है। तो भाई आज है धनतेरस, हमने ये गाड़ी ली थी दशहरे वाले दिन, आज है धनतेरस। बाकी भाई रास्ते में बात करते हैं, चलो मेरे साथ आप लोग भी, और रास्ते में बात करेंगे कहाँ जा रहे हैं। गंदी हो रही है गाड़ी, ठीक है। बाकी मैंने अपना यहाँ पर कैप रख लिया है, रास्ते में देखते हैं, रास्ते में मैं आपको बात करता हूँ आपसे कहाँ जा रहे हैं गाड़ी को लेके। और धनतेरस है तो गाड़ी को चमकाना, यानी कहने का मतलब ये है भाई, इसको मैंने 750 किलोमीटर चला दिया है गाड़ी को, तो आज फाइनल वो दिन आया है जो फर्स्ट सर्विस इसकी शुरू हो गया है, मतलब करवाना है, तो फर्स्ट सर्विस करवाने ही जा रहे हैं बजाज शोरूम धनतेरस में। भाई फिर से नई गाड़ी हो जाएगी हमारी, अपनी बजाज पल्सर N160 जो कि और ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। तो भाई सोचा कि चलो, वैसे भी दिन हो गए हैं इसके, मतलब टाइम हो ही गया है सर्विस करवाने का, तो सोचा कि सर्विस करवा ही लेते हैं, तो गाड़ी भी नई हो जाएगी, मतलब नई तो है ही हो भाई, सीधी सी बात है, नई तो है ही, यानी चमक जाएगी, धूल मिट्टी भी है और थोड़ी सर्विस हो जाएगी तो थोड़ा और अच्छा एवरेज देगा, है ना। अभी एवरेज ये दे रहा है 48 का 47 का, बाद में शायद अच्छा एवरेज हो जाए। बाकी ये भी एवरेज भाई कोई बुरा नहीं है, मतलब 43-48, अभी देख रहे हो यहाँ पर आ रहा होगा 46 का एवरेज आ रहा है, यानी 46-47-48 इन बीच में ये एवरेज दे रही है, तो मेरे हिसाब से तो भाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि इतनी हैवी और इतनी हैवी सीसी में भैया गाड़ी ले रहे हैं और 48 की एवरेज दे रही है, यानी बिना विदाउट सर्विस, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, आज तो भाई इसकी सर्विस हो रही है, आज तो और नहीं हो जाएगी गाड़ी, भाई साहब बड़ा मज़ा आएगा भाई। तो फर्स्ट सर्विस होने के बाद यानी 750 हो चल गया है, तो मैंने सोचा कि एक बार चला जाता हूँ बजाज शोरूम, और मेरे को पता नहीं है यार कि कितने पे ये फर्स्ट सर्विस होता है, तो मैंने सोचा कि एक बार चला भी जाता हूँ, कहीं सर्विस हो जाए, नहीं होगी तो भाई धुलवाएंगे ही, और हो गई तो सबसे बेस्ट है, तो सर्विस करवाएंगे। और भाई उनसे अभी मेरा ये पेपर नहीं आया हुआ है गाड़ी का, जो टेम्परेरी RC देते हैं ना, वो पेपर नहीं दिया है उन्होंने, तो वो भी लेना है, तो दोनों काम हो जाएंगे और अपनी गाड़ी भी चकाचकांदी मस्त हो जाएगी, और भाई बहुत मज़ा आएगा, यानी कहने का मतलब ये है। और इसमें ना भी मैंने ना कोई कुछ भी नहीं छुड़वाया है, मतलब मॉडिफिकेशन कह लो या PPF कह लो या क्या कहते हैं, कुछ भी A to Z में से कुछ भी नहीं करवाया, और मुझे A to Z करवाना है, तो अभी है ना थोड़ा पैसों का दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए मैंने अभी इसको कुछ छुड़वाया नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जब करवाऊँ तो एक साथ ही काम करवाऊँ, PPF करवाऊँ, बाकी इसमें कुछ एसेसरीज लगवाना है वो एसेसरीज लगवाऊँ, तो यानी एक साथ करवाऊँगा तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा, काफ़ी अच्छा आप लोगों को भी देखने को लगेगा, तो इसलिए अभी करवा नहीं रहा हूँ। बाकी ये करवाना है भाई, ज़रूर करवाना है, PPF तो ज़रूर करवाना है, क्योंकि घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी भैया स्क्रैच स्क्रैच कर देंगे, है ना, दूर की चूज बोलो, अपने घर में भी बच्चे हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को देखकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम, तो ये करवाना ज़रूरी है। तो भाई आप सभी को ये आप वीडियो देखोगे यार, छोटी दिवाली को आज धनतेरस है, आज है 10 तारीख, और आप लोग ये वीडियो देखोगे 11 तारीख को छोटी दिवाली को, तो आप सबको हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, है ना, ये सब आपको एडवांस में। और भाई ऐसे ही प्यार करो, मेरी एक वीडियो अभी 1000 के व्यू गया है, जो कि मैंने उसमें बस कुछ नहीं, अपने सिस्टर के घर गया था, जिसमें मैंने करवा चौथ का सारा सामान वामान लेकर गया था, तो वो भी वीडियो में आपने 1000 व्यू कर दिए, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है, बहुत खुशी मिलती है यार ऐसा। हालांकि मेरी एक मार्केट ब्लॉग भी है, मार्केट ब्लॉग में मेरे मिलियन में भी आए हैं भाई, सच बताऊँ तो मेरे 10-10 मिलियन भी व्यू आए हैं मार्केट ब्लॉग में, लेकिन उतनी खुशी नहीं होती जितनी ब्लॉग में होता है, क्योंकि ब्लॉग में ना लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, मेरी गाड़ी को देखना पसंद करते हैं, मार्केट में भाई तुम बिज़नेस के लिए देखते हो, तो वो और ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों कैटेगरी अलग अलग है, चैनल अलग अलग है,
हालांकि मैंने भी इस पर कुछ वीडियो डाली है मार्केट ब्लॉग की, लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, इस पर भाई अपना ब्लॉग ही करेंगे, गाड़ी लिए है गाड़ी पर ब्लॉग बनाया करेंगे। और अभी तो भैया ऋषिकेश जाना है इसी गाड़ी से भाई मुझे जाना है आटू श्याम, तो ये सब चीज़ें ब्लॉग बनाना। बाकी इन फ्यूचर और भी प्लान बनेंगे जाने का, क्योंकि भाई अब यही करना है, मतलब ब्लॉगिंग ही करना है तो सबसे बेस्ट है। और भाई काफ़ी स्मूथली है गाड़ी, अगर बात करी जाए तो फर्स्ट सर्विस में भी हुई नहीं है, लेकिन काफ़ी स्मूथली है, बहुत स्मूथली, बहुत मज़ा आता है। हालांकि मैंने अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा चलाने के लिए, उसने भी बोला भाई सही चॉइस है, सही अपना पैसा वसूल है, जिस हिसाब से ये इंजन वर्क कर रही है ना उस हिसाब से बहुत अच्छा है, और एवरेज भी काफ़ी अच्छा है, टाइमिंग बताती है, कलर भी बहुत प्यारा है। और भाई मैंने लिया है ये बुराड़ी से, तो बुराड़ी में जिस शोरूम से लिया है तो वो शोरूम वाले कहते हैं कि भाई ये अभी तक है ना एक ही बिका है इस कलर में, यानी इस कलर में एक ही था, एक ही आपके पास है इस पूरे बुराड़ी एरिया में, ये सिर्फ तुम्हारे पास ही है, मतलब इस कलर में। ऐसा कि N160 हालांकि बहुत है, बिकी बहुत है, लेकिन इस कलर में एक ही है, बाकी नए नए कलर आते रहते हैं गाड़ियों के, आप लोगों को भी पता है जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है वो कौन सा होता है, ब्लैक वाला होता है ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और ऐसे ऐसे कलर जो होते हैं यूनिक से वो कम आती है, कंपनी कम निकालती है और कम लोगों के पास ही होता है। तो ऐसी कलर का है ना मेरे पास है ना स्कूटी भी है इसी कलर का मेरे पास आईफोन भी है, iPhone 13, मैं दिखाऊंगा आपको ब्लॉग में भी, और इसी कलर का मेरे पास स्कूटी भी है। तो पता नहीं मेरी है ना सोच नहीं होती है कि मैं स्काई ब्लू ही लूँ, लेकिन जब मैं कोई चीज़ लेने जाता हूँ ना तो सब वहाँ पर वो सामान दिखाया जाता है, तो मेरे को ना अचानक पता नहीं क्या होता है कि मेरे को ना इसी कलर में पसंद आ जाता है भाई, और यही है। और फिर घर आकर देखता हूँ, मैच करता हूँ, अबे यार ये चीज़ फिर से आ गई, इस कलर में फिर से आ गई, तो वही है भाई। स्कूटी लिया था तो रैंडमली लिया था, तो इतना मेरे को ध्यान नहीं था, मतलब स्कूटी वो उस कलर में ले ली, चलो भाई है ना। फिर गया आईफोन लेने, कुछ अभी कुछ समय ही हुआ है, 4-5 महीने हुए मेरे को iPhone 13 लिए हुए, तो वो भी लेकर आया। और फिर घर आया, स्कूटी उस समय था मेरे पास, स्कूटी चलाता था, तब देखा मैंने, अरे ये तो वही सेम कलर आ गया, अरे वाह। और आज भाई ये भी मैंने ना गाड़ी सोची नहीं थी कि इस कलर में लेनी है, लेकिन गए पसंद आई, फिर घर पे खड़ी करी तो बोले लो भाई ये तो सारी चीज़ें एक ही कलर की आने लग गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा ये फेवरेट कलर है स्काई ब्लू, तो इसीलिए अपने आप ही पसंद हो जाता है। तो इन फ्यूचर कभी कुछ और भी लेना होगा तो शायद इसी कलर में लेऊंगा मैं, मुझे तो लग ही रहा है इसी कलर में लूँगा। बाकी भाई बात करते करते हम आ गए हैं ये बुराड़ी के एरिया में, जहाँ पर देख रहे हो गिफ्ट आज धनतेरस है ना, आज मार्केट में काफ़ी भीड़ होगा, और मुझे भी अपनी वाइफ को लेकर जाना है मार्केट करवाने, यानी बच्चों के कपड़े वपड़े लेने हैं, ठंडी भी आ गई है, सर्दी आ गई है, तो सर्दी के थोड़े बहुत कपड़े ले लेंगे, त्यौहार है तो त्यौहार के कपड़े ले लेंगे बच्चों के, बाकी शॉपिंग करवा देंगे थोड़ा बड़ा। तो मतलब शाम को चलूँगा, अभी मेन मेरा टास्क का आज का पूरा दिन रखा था मैंने भाई गाड़ी की सर्विस का, अब देखते हैं कितनी जल्दी हम निपट जाए बजाज शोरूम से, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर भी रश होगा ही, क्योंकि भाई मेरे जैसे और भी बंदे हैं जो कि भाई अपनी गाड़ी को दिवाली में चमका कर रखने वाले हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही गाड़ी लिया। ये देख रहा भाई रंग बिरंगी मिठाई, दिवाली त्यौहार भाई सबसे औसम त्यौहार है, सबसे मस्त त्यौहार है। ये त्यौहार ऐसा है कि सबको उमंग उल्लास खुशी और हैप्पीनेस सब देता है, तो ये त्यौहार में भाई बहुत मस्त त्यौहार है, और इस त्यौहार को ऐसे ही बनाए रखो, बरकरार रखो, है ना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भाई यही है, दिवाली में श्री राम जी के नाम से भी दिए जलाओ, और माता लक्ष्मी गणेश जी के नाम से तो जलते ही हैं, श्री राम जी के भी नाम से जलाना चाहिए, और जलाते ही होंगे मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं और वो लोग हैं कि आ गए हम। ये शनि मंदिर है ना, यहाँ से आना जाना होता है तो प्रणाम होता है शनि महाराज का। बाकी भाई आ गए हैं, अब चलते हैं सीधा आपको बजाज के शोरूम में, सर्विस पॉइंट भी तो दिखाना है आपको, सर्विस भी तो दिखाना है। और मैं ना ये सोच रहा हूँ यार, इसका ना इंजन ऑयल जो निकलेगा ना वो ले लूँ, इसलिए ले लूँ क्योंकि मेरे ना स्कूटी पे डालना होता है यार इंजन ऑयल, तो ये शायद काम आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या, कमेंट करके बताना यार। अगर मैंने इसका इंजन ऑयल जो कि फर्स्ट सर्विस हो रही है तो इसका इंजन ऑयल भी ज़्यादा जला नहीं होगा, मतलब
और ये यूज हो जाएगी मेरी स्कूटी में, मुझे पता नहीं है, एक बार कमेंट करके बताना यार। आप लोग को तो इतना नॉलेज है, आप मुझे बताओ एक बार कमेंट करके, तो मैं लेकर आऊँगा। और आप लोगों का जैसे भी कमेंट आएगा मैं ज़रूर इसमें स्कूटी में डालूँगा, क्योंकि स्कूटी का भी भाई थोड़ा इंजन का काम होना है ना, तो इसलिए वो इंजन ऑयल ज़्यादा पीती है। लो जी भाई, बजाज शोरूम आने वाला है जहाँ पर अपनी हमने गाड़ी ली थी, और जहाँ से उसके पीछे ही सर्विस होता है। तो ये रहा भैया बजाज का, और गाड़ियाँ आज बहुत ज़्यादा है भाई। ये कौन सा कलर आ गया भाई इसकी? NS 125 ऑरेंज कलर है भाई, ऑरेंज कलर। ये भी काफ़ी, ओए होए मेरे जैसा कलर, वाह जी वाह, मेरी बाइक के जैसा कलर है भाई, काफ़ी मस्त है। तो अपनी भी बाइक इधर खड़ी करते हैं और एक बार उस इनसे मिल लेते हैं कि भैया कितने पे कितना सर्विस होता है। बाकी ये देखो, ये रही अपनी एक कलर, मैं अभी बात ही कर रहा था लेकिन बजाज वालों ने लिया है ये रही भाई। और ये भी नहीं है, मतलब बिकने के लिए है, दूसरी बाइक है बिकने के लिए। बाकी ये सारी गाड़ी देख रहे हो कितनी बेहतरीन है। चलो भाई, तो भाई मैं ये दिखा रहा था ना, ये देखो NS 125, ये कलर देखो क्या बेहतरीन लग रहा है। और सीट है ना, ये वाले सीट अच्छे नहीं है यार, सच बताओ ना, ये वाले सीट अच्छे नहीं है। बाकी कलर ये भी बेस्ट है, और N125 है, अपनी तो N160 है, अपने से क्या मुकाबला करेगी ये। यानी ये भी कलर बस मस्त है, बाकी ये NS है क्या? हाँ NS है, सॉरी भाई NS है 125, और कलर भी इसका भी काफ़ी प्यारा है। और यह कि ये रही NS, इसका ये वाला कलर देखो, ये भी बहुत प्यारा है, बेहतरीन है, और लुक आगे से कुछ ऐसा है। बाकी ये रही पल्सर वल्सर अपनी गाड़ी, हो रही भाई आ जाना अपने साथ, है ना। पोपट हो गया, पोपट ये हो गया भाई। शोरूम में आया धनतेरस है, मैंने आपको बताया था कि धनतेरस है आज। धनतेरस में क्या होता है कि रश है ज़्यादा, ये लोग कह रहे हैं कि भैया सर्विस नहीं हो पाएगा, कि आज सारे स्टाफ शोरूम में लगे हुए हैं। अपना पोपट हो गया है ना, अपनी बहुत उल्लास था, बहुत उमंग था कि अपनी गाड़ी भी नई हो जाएगी, ऐसी लगेगी कुछ भैया। ऐसे तो भाई इससे भी बेहतरीन है, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ी मिट्टी तो जो लग गई है गाड़ी में, उससे क्या, लेकिन गाड़ी हो गई है बड़ी मस्त। आज पूछ लेता हूँ एक बार भैया शोरूम में, पूछा ओ भाई इतनी सारी गाड़ी लगी हुई है, मस्त मस्ती सर्विस। N160 फर्स्ट, कितने पे होती है पहली सर्विस? 5 से 750 तक। 750 तो चला दी, ₹700 चला दिए भाई। अभी तो मना कर रहे थे यार, अभी हो गई अब सर्विस। चलो बढ़िया है, सर्विस हो जाएगी, अपनी भी गाड़ी चमक जाएगी।